अगर आप कोई मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और पेमेंट फेल आ रहा है और लिखा हुआ आ रहा है योर योर बैंक हैज़ ब्लॉक्ड और फ्रोजन योर अकाउंट, प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो उस सिलसिले में उस जब ऐसा मैसेज आ रहा है आपको तो क्या करना है, या आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है या ब्लॉक हो चुका है या बंद हो चुका है टेम्परेरी या फिर डोरमेंट हो चुका है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों का हो चुका है और बहुत सारे लोगों का होने वाला है, तो करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको ब्रांच को कॉन्टेक्ट नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ दोस्तों, बैंकों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाला बटन भी जरूर दबाओ दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आ रहा होगा, जैसे कि मैं बताया, या तो SMS के थ्रू आया होगा, या फिर कोई अपने फ़ोन पे से या पेटीएम से या जी पे से या किसी से भी वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, तो इस तरह का मैसेज आ रहा होगा, या फिर SMS के थ्रू ऐसा मैसेज आता होगा, ये ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट टू पे इतना इतना एड फॉर अमाउंट ₹10 हैज़ फेल ड्यू टू अकाउंट फ्रोजन, UPI रेफरेंस नंबर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह का मैसेज आता होगा अकाउंट फ्रोजन का। तो आपको करना क्या है इस सिलसिले में दोस्तों, करना होता है KYC, जी हाँ, नो योर कस्टमर वाला काम करना होता है। उसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड नहीं है तो भी चलेगा, आधार कार्ड चाहिए, और अगर एड्रेस चेंज है तो एड्रेस चेंज का प्रूफ चाहिए, इतनी चीज़ें चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म कैसे भरना होता है, आप रुकिए, वीडियो छोड़ के मत जाइए, आपको जानकारी कैसे फॉर्म भरने की होती है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो देख लीजिए, बाद में जाकर आप भरते रहना, और क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ध्यान में रखने वाली बात है फॉर्म भरते समय, वो मैं आपको बताऊँगा। बैंक जाओगे तो आपको ये फॉर्म दिया जाएगा दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डाटा अपडेशन फॉर्म अंडर KYC कंप्लेंस, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, नाम पूरा जैसे बैंक की पासबुक में वैसा नाम लिखना है, एड्रेस पूरा लिखना है जो बैंक की पासबुक में है। यहाँ पर कस्टमर ID लिखना है, बोलोगे कस्टमर ID क्या है, कस्टमर ID आपके पासबुक खोल के देखोगे अकाउंट नंबर के पास में लिखा हुआ है, कस्टमर ID वही नंबर यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर खाता संख्या लिखना है, अकाउंट नंबर। अब यहाँ पर दो कॉलम दिए ये वाले दोनों, ठीक है। अगर आपका There is no change in my present address, अगर आपके एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो यहाँ पे टिक का निशान कर देना है सिर्फ, ठीक है। और अगर आपके एड्रेस में कोई बदलाव है, आप एड्रेस बदलना चाहते हैं, तो इस पे टिक कर देना, इस पे टिक करके नया एड्रेस इधर लिखना है। अगर कोई बदलाव नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टिक करके जो पुराना एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ध्यान क्या रखना है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो अवश्य यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सुंदर अक्षरों में लिखना है, और एक बार फिर से रिपीट कर देना है वही नंबर यहाँ पे, जी हाँ, दूसरा नंबर यहाँ पे नहीं लिखना है, जो नंबर है वही का वही यहाँ पे लिख देना है सुंदर अक्षरों में, ताकि आपका नंबर जो है अच्छी तरह से रजिस्टर्ड हो जाए, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। टेलीफोन नंबर अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर ऑफिस का और रेसिडेंस का है तो लिखना है, नहीं तो इसको डैश मार के छोड़ देना है। उसका ईमेल ID भी अवश्य लिखना है, जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग इसको छोटा समझते हैं, बहुत लोग इसको मतलब काम का नहीं समझते, लेकिन मैं बताऊँ ईमेल ID बहुत काम की चीज़ है, इसलिए ईमेल ID जरूर लिखा करें, और मैं तो बोलूँगा दो बार लिखें ईमेल ID, ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कैपिटल अक्षरों में लिखें। उसके बाद यहाँ पे आइए, फादर का नाम पूरा, पिता का नाम पूरा लिखिए, मदर का नाम पूरा लिखिए, ठीक है, मदर के आधार कार्ड में जो नाम है उसके मुताबिक, फादर का जो आधार कार्ड में नाम है उसके मुताबिक लिखिए, जन्म तारीख लिखिए, पहले दो अक्षर जो दो अंक होंगे वो डेट होगा, फिर महीना होगा, फिर साल होगा, जैसे 4 जनवरी 2001 तो यहाँ पे 04012001 इस तरह लिखिए, ठीक है। उसके बाद पैन नंबर लिखिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो नहीं है तो उसको डैश कीजिए, और फॉर्म 60, जी हाँ दोस्तों, फॉर्म 60 आपको भरना रहेगा, फॉर्म 60 सीनियर सिटीजन के लिए 61, तो आपको फॉर्म 60 पे क्लिक करना है, फॉर्म 60 का अलग से फॉर्म ले लेना है, होगा कुछ नहीं उसमें, सिर्फ आपको नाम एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना रहेगा, वो आपका फॉर्म 60 भरा जाएगा, ठीक है। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डिटेल यहाँ पे डालना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या दे रहे हैं यहाँ पे, तो एक तो आधार कार्ड देंगे, ठीक है, आधार कार्ड की जेरोक्स देंगे वो लिखना है, आधार कार्ड, दूसरा लिखना है आपको अगर पैन कार्ड की जेरोक्स दे रहे हैं तो वो लिखना, नहीं तो फॉर्म 60 लिखना है, क्लियर है। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप किस देश के रहवासी हैं, तो यहाँ पर लिखना है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल इफ़ स्पेसिफाइड, आप क्या धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं, मजदूर हैं, छूटक मजदूरी करते हैं, कोई आपका अपना बिजनेस है, नौकरी करते हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कंस्टिट्यूशन, आप इंडिविजुअल में अकाउंट है या जॉइंट में अकाउंट है तो उस पर टिक करना है, लोगों का इंडिविजुअल में ही होता है तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एनुअल इनकम, लोगों की जितनी एनुअल इनकम है 10,000 साल की इनकम लिखना है, 10,000 है किसी की, 10 लाख है किसी को, 5 किसी 1 लाख, वो यहाँ पर लिखना रहेगा, अप्रोक्सीमेट लिखना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो चलेगा। मेजर सोर्स ऑफ इनकम, ज़्यादातर आप कमाई किससे करते हैं, मान लो कुछ लोग 2-3 काम करते हैं, 4-5 काम करते हैं,
ठीक है। तो जो ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है उनका सबसे ज़्यादा किससे आता है, किसी का खेती से आता है, किसी का रोज़गार से आता है, किसी का धंधे से आता है, किसी का नौकरी से आता है, वो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन से पैसे आने वाले हैं या भविष्य में आने की संभावना है तो इस पर टिक करना है, ठीक है दोस्तों। यस और नो पे, तो यहाँ पे बस यस लिखना है, अगर आने की संभावना है तो नो, नहीं आने की संभावना है तो नहीं लिखना है। कुछ लोग गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं, किसी के रिश्तेदार रहते हैं सऊदी में, इराक में, सऊदी में, इराक में, कुवैत में, अमन में, ओमान में, कतर में, ये सब जगह रहते हैं दोस्तों, तो वहाँ का नाम लिखना है, ठीक है। अब आते हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी, इफ़ इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा भी करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो रहना। अब इसके बाद ये दोस्तों फॉर्म को जो है लेकर जाना है ब्रांच अधिकारी, जो है ब्रांच में जो अधिकारी गण हो वो आपको एक्सेप्ट ले फॉर्म जो है एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक बात और, नीचे अभी देखिए दोस्तों, इतना जो पोर्शन है बिल्कुल ध्यान से भरना है। यहाँ पे फोटो चिपकाना है, फोटो चिपकाने के ऊपर यहाँ पे डेट लिखनी है, तारीख, यहाँ पे खाता संख्या लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ये जो लिखोगे इतना सारा का सारा बैंक वाले अपने कंप्यूटर में स्कैन करके रखेंगे और इसी के आधार पर आपकी पहचान होगी। तो इसीलिए जब भी आप लिखें खाता नंबर संख्या, तो खाता संख्या बराबर लिखें। यहाँ पे जो हस्ताक्षर करोगे वही हस्ताक्षर आपका चलेगा, जैसे भी हस्ताक्षर करोगे। यहाँ पे फोटो चिपकाइए और यहाँ पे तारीख लिखिए। इतना करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दीजिए, बैंक अधिकारी ले लेंगे और आपका KYC हो जाएगा, अकाउंट फ्रीज से अनफ्रीज हो जाएगा, डोरमेंट से चालू हो जाएगा आपका अकाउंट। अब आप लेन देन अपने अकाउंट से कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।